पर जब यहाँ आज एक व्यक्ति यहाँ पर जब अपने पेशेंट को देखने के लिए आए और यहाँ इतना बड़ा अस्पताल में लिफ्ट का स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री इसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, इसी जगह से वो बिलोंग करते हैं और वहाँ का लिफ्ट खराब लगातार होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार एक व्यक्ति आधा घंटा से फंसा हुआ है, इनका नाम विक्रांत प्रसाद है और इनकी स्थिति अभी गंभीर बताई गई है। अभी आ रहे हैं लिफ्टमैन अब कब आएंगे उनके इंतजार में। हमने भी अधीक्षक को जाके बोला कि आप सर जल्द से जल्द भेजिए अगर कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, और लगातार ये लिफ्ट फंसती है। यहाँ पर हमारे जो होमगार्ड के जवान हैं ये लगातार यहाँ सुरक्षा देने का काम भी कर रहे हैं और इनके माध्यम से भी ये बोला जा रहा है कि लगातार ये लिफ्ट फंसता है, इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा। तो आखिर में जब इतना फंड आता है तो ये फंड जाता कहाँ है? कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। अस्पताल में लगा लिफ्ट दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। इस लिफ्ट में परसुडी निवासी विकास प्रसाद 40 मिनट तक फंसे रहे, जहां कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला गया। जानकारी मिलते ही भाजपा नेता विमल बैठा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक से संपर्क कर घटना के संबंध में जानकारी ली। जानकारी देते हुए विमल बैठा ने कहा कि गरीब जरूरतमंद एमजीएम अस्पताल में इलाज कराने आते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पूर्वी सिंहभूम जिले से ही हैं। बावजूद इसके अस्पताल की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोगों को जान जोखिम में डालकर अस्पताल आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 40 मिनट तक व्यक्ति लिफ्ट में फंसा रहा, ऐसे में किसी की भी जान जा सकती है, पर ना ही अस्पताल प्रबंधन को इससे मतलब है और ना ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को। उन्होंने कहा कि अस्पताल अधीक्षक से संपर्क कर समस्याएं बताई गई हैं और कड़ी मशक्कत से व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।